हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखते हैं दोस्तों, जो अपना आईयूपीएससी जो नोमेन क्लेचर होता है वो हर जगह क्या होता है, हर क्लास में, हर कंपटीशन में क्या होता है, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज जो आईयूपीएससी जो नोमेन क्लेचर होता है उसको एक वन शॉट के अंदर क्या करेंगे, पूरे को एक बार देखते हैं कि वो क्या होते हैं, उसका नोमेन क्लेचर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें जो कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा बने हुए हो, उनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन से बोला जाता है। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे एल्केन है, एल्किन है और एल्काइन है, इनसे जो बनने वाले जो मूलक होते हैं, जो रेडिकल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी अगर क्या करते हैं, अगर एक हाइड्रोजन को या एक दो हाइड्रोजन को या तीन हाइड्रोजन क्या किया जाता है, अगर रिमूव किया जाता है, तो उनके द्वारा किस प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन के लिए। तो एल्केन से क्या क्या जाता है, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो उस एल्केन का नाम हो जाता है एल्किल। क्या हो जाता है दोस्तों, एल्किल उसका नाम हो जाता है। ये हमारे पास में एल्किल। सेकेंड हमें इसी का क्या है कि एल्केन से क्या कर रहे हैं, एल्केन का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन में सारे क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, उनको क्या बोलते हैं एल्केन। और एल्किन क्या बोलते हैं, जिसके कार्बन कार्बन बिटवीन क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और एल्काइन होता है अपना कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, उनको क्या बोलते हैं, एल्काइन बोला जाता है। तो सेकंड इसका क्या है कि एल्केन होता है, उसे एक ही कार्बन से क्या कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, और हाइड्रोजन की जगह क्या कर रहे हैं, दूसरे कोई भी ग्रुप वहां पर क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। तो उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, एल्काइल लिडीन, उसका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। थर्ड क्या है कि जो वापस क्या कर रहे हैं, दो क्या कर रहे हैं, वहां से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, और दोनों हाइड्रोजन कहाँ से हो रहे हैं, निकटवर्ती कार्बन से, यानी एक कार्बन से दोनों को रिमूव ना करके एक इस कार्बन की एक उसके पास वाले कार्बन से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो उसको बोलते हैं एल्काइलेन, यानी जो कंपाउंड बनता है उनको क्या बोलते हैं, एल्काइलेन बोला जाता है। ये इसके एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास में थ्री आपके क्या है, कार्बन की चेन है, उसके सेकेंडरी पोजिशन पर क्या जुड़ा है, OH ग्रुप। तो इस पोजिशन को क्या बोलते हैं, आपके आइसो बोला जाता है, ये जो आपकी पोजीशन है इसको बोलते हैं आइसो। तो तीन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल, यानी यहाँ पर क्या था, प्रो प्रोप के आगे क्या जोड़ दिया, एल्केल, यानी प्रोपिल हो गया। इसी प्रकार ये हमने क्या किया, इस कार्बन से क्या किया है, वैसे क्या होना चाहिए, CH3 और चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन रिमूव किया और वहां पर क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिए। तो इसका नाम क्या हो गया, एथैली डीन क्लोराइड। और यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों कार्बन से क्या किया, एक एक क्या किया है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किए, तो उसका नाम क्या हो गया, इथाइलिन क्लोराइड, यानी हमारा क्या हो गया, YAL-E-NE, यहाँ पर क्या हो गया, आगे सपेक्स के रूप में ऐड हो जाता है। फिर सेकंड बात करते हैं एल्किन के लिए। तो एल्किन से क्या कर रहे हैं, वही वापस पोजिशन, अगर एक क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो उसका नाम हो जाएगा एल्किनिल। और अगर दो हाइड्रोजन हटा रहे हैं, कहाँ से, एक ही कार्बन से दोनों हटा रहे हैं, तो उसका नाम हो जाएगा एल्किनाइलिडिन। और अगर क्या कर रहे हैं, निकटवर्ती कार्बन से क्या कर रहे हैं, अगर दो हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो उसका नाम हो जाएगा एल्किनाइलिन। ये इसके एग्जाम्पल लीजिए, हमारे पास में एल्किन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो नाम क्या हो गया, एथिनिल। और हमने क्या किया, यहाँ पर सेकंड पोजिशन में एक ही कार्बन से क्या किया है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, तो उसका नाम हो गया एथिनिल लाइडिन। और यहाँ से हमने क्या किया, दोनों कार्बन से एक एक क्या किया, हाइड्रोजन रिमूव किया, इसका नाम हो गया एथिनाइलिन। थर्ड बात करते हैं, तो अपने पास में एल्काइन है, तो एल्काइन से क्या कर सकते हैं, एक ही दोनों में क्या होता है, ये होता है एल्काइन का फॉर्मूला आपका CH CH। तो वो दोनों कार्बन में क्या होता है, एक ही हाइड्रोजन है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन वहां से रिमूव कर सकते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाता है, एल्काइनिल, उसका नाम क्या हो जाता है, यानी YNYL क्या हो जाता है, एल्किन के आगे जोड़ दिया जाता है, उसका नाम क्या हो जाएगा, एथिनिल। इसी प्रकार जो आपके फिनाइल होता है, C6H6 होता है, जिसको बेंजीन बोलते हैं, या आपका जो साइक्लोहेक्जेन होता है, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहां से अगर क्या कर रहे हैं, अगर एक हाइड्रोजन हटाकर कोई अदर ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फेनिल ग्रुप। और जो फेनिल होते हैं, जैसे हमारे पास बेंजीन ऊपर क्या जुड़ा है, CH2 ग्रुप जुड़ा है, वैसे कि बेंजीन के ऊपर क्या हो सकते हैं, CH3 होता है, जिससे कार्बन क्या होती है, टोटल चार वैलेंसी होती है। अगर एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया, तो उस कंपाउंड का नाम है बेंजिल। और अगर दो हमने क्या किया, हाइड्रोजन रिमूव किया, उसको बोलते हैं बेंजेल। और अगर तीनों क्या कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन का हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो उसको बोलते हैं
बेंजो कंपाउंड बोलते हैं। अब देखते हैं जो अपने आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर होते हैं वो रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है, सबसे पहले तो जो अपनी रूट श्रृंखला होती है, सबसे बड़ी जो कार्बन श्रृंखला होती है उसका क्या किया जाता है, चेन किया जाता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। और सबसे पहले चयन करते समय सबसे पहले जो आपको पीरियोडिटी दी जाती है वो दी जाती है आपके क्रियात्मक समूह, यानी जो आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। सेकंड जो पीरियोडिटी देते हैं वो हम देते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होने चाहिए। और जो थर्ड जो पीरियोडिटी दी जाती है वो आपके जितने उसमें क्या होते हैं प्रतिस्थापित जो सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ में अटैच हो, यानी सबसे ज्यादा उसमें क्या होनी चाहिए प्रतिस्थापी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसी हमारे पास श्रृंखला आ रही है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे प्राथमिक या जो आपके जो पेरेंट चेन होती है उसके रूप में क्या करते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। सेकंड करते हैं कि जो आपने जैसे हमने क्या की जो श्रृंखला चेन की है उसका क्या किया जाता है अंकन किया जाता है, यानी जो रूट श्रृंखला होती है उसका क्या किया जाती है नंबरिंग की जाती है। तो नंबरिंग देने के लिए सबसे पहले हमने पीरियोडिटी किसको दी थी फंक्शन ग्रुप को। तो अंकन करते हैं या नंबरिंग देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपके फंक्शनल ग्रुप हो उसको क्या मिलने चाहिए मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। उसके बाद हमने प्रायोरिटी दी थी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, तो सबसे उसके बाद प्रायोरिटी में क्या होगी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। थर्ड हमने क्या दी थी कि मैक्सिमम उसमें क्या हो सब्सटेंट या प्रतिस्थापी हो, तो उसको भी हमने क्या कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी हम मिनिमम नंबर दे। और जो भी हम नंबरिंग कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी सबसे पहले क्या करेंगे क्रियात्मक समूह को मिनिमम नंबर देंगे, उसके बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेंगे मिनिमम नंबर देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे जो आपके प्रतिस्थापी है उनको क्या करते हैं मिनिमम नंबर देने की कोशिश करते हैं। और वो किसके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग, यानी जो आपके अल्फाबेट जो पहले आता है उसको क्या करेंगे पहले उसकी नंबरिंग करते हैं। और ये आपका है कि जो थर्ड हमने जो लिखा है कि जो आपके आईपीएसी जो नेम होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो लिखा जाता है जो आपका प्रतिस्थापी होता है उसका अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग नेम लिखा जाता है। उसके बाद में जो आपकी रूट नेम होती है, यानी 5 मेंबर है तो पेंट है, 4 मेंबर है तो ब्यूट है, 3 मेंबर है तो प्रोपिल है, इस प्रकार उसमें। उसके बाद में आपके जो प्राथमिक जो अनुलगन होता है यानी जो प्राइमरी जो सपेक्स होता है उसको यूज किया जाता है, वो होते हैं आपके एन एन और आयन, तीन होते हैं आपके प्राथमिक अनुलग्न। उसके बाद में लगाया जाता है आपका सेकेंडरी सपेक्स, यानी जो भी आप उसमें जो फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके सेकेंडरी आपके सपेक्स के रूप में या द्वितीयक अनुलग्न के रूप में वहाँ पर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में आते हैं कि जो आपके आइसोवर्ड है या जो नियोवर्ड है उनको क्या किया जाता है नंबरिंग करते हैं जो आपके, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो आपके अल्फाबेटिक होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या किया जाता है शामिल किया जाता है। लेकिन कुछ आपके क्या होते हैं प्रतिस्थापी अगर सेम आते हैं उसके लिए डाई वर्ड यूज करते हैं ट्राई वर्ड, या फिर आपके जो सेकेंडरी है या टर्शियरी है उसको क्या करते हैं कभी भी अल्फाबेटिक में शामिल नहीं किया जाता है, यानी जो जबकि सेकेंडरी जो टर्शियरी होती है उनको कभी भी अल्फाबेटिक में शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद करते हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं जो सब्सटेंट अगर होते हैं जिनका नंबर क्या होते हैं उनको एक अलग से उसकी नंबरिंग की जाती है, तो उसमें जो आपके डाई या ट्राई या टेट्रा जो वर्ड आते हैं कौन से डाई ट्राई या टेट्रा वर्ड उनको क्या करते हैं अल्फाबेटिक में शामिल किया जाता है, यानी अल्फाबेटिक में उसको क्या कहते हैं शामिल करते हैं। और उसको हमेशा जो आपके डाई होता है उसको 20 ट्राई को ट्राई किस 4 को टेट्रा किस इस वर्ड क्या किया जाता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आते हैं कि जो आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर क्या हो अगर अलग अलग पोजिशन पर आ रहे हो और क्या कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है उसको क्या कर देते हैं मिनिमम नंबर देते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एक साइड से क्या रहे हैं वन नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड साइड से अगर इस साइड से कर रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड वन नंबर पे आ रहे हैं, तो उसमें क्या किया जाता है अगर दोनों तरफ से क्या हो समान हो तो हमेशा जो आपका डबल बॉन्ड होता है उसको क्या की जाती है प्रायोरिटी दी जाती है, यानी हमेशा डबल बॉन्ड को क्या करते हैं मिनिमम नंबर देते हैं उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को, यानी वरीयता जो प्रायोरिटी होती है वो किसको देते हैं डबल बॉन्ड को दी जाती है, अन्यथा जो क्या होते हैं जो पहले आता है उनको क्या करते हैं मिनिमम नंबर दे दिया जाता है। इसके बाद एक आता है आपका एल्कोक्सी कि जो एल्कोक्सी होता है उसको क्या कहते हैं हमेशा प्रतिस्थापी यानी सब्सटेंट के रूप में क्या कहते हैं माना जाता है, यानी हमेशा वो क्या होता है प्रतिस्थापी के रूप में ही प्रेजेंट होता है। ये हमने एग्जाम्पल लिया कि जिसमें क्या हो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या रहे इधर से अगर वन नंबर देते हैं डबल बॉन्ड तो वन नंबर पे आया, और इधर से अगर क्या करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं तो क्या आते हैं वन नंबर पे आ रहा है, तो दोनों साइड में क्या आप किसको प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट की 1, 2, 3 और 4, तो 4 है तो ब्यूट हो गया, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड एन, 3 के ऊपर क्या है ट्रिपल बॉन्ड तो क्या हो गया आयन, यानी ब्यूट 1, 3 आयन का क्या हो गया आईपीएसी नेम हो गया। ये हमारे पास में कि जो आपका एल्कोक्सी जो ग्रुप होता है
उसको हम ऐसा क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी। यानी हमारे पास में ये क्या है, ओ सी टू एच फाइव, यहाँ पर क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप है। यानी नंबरिंग हमेशा क्या करते हैं, किधर से, अगर इधर से दे रहा है तो टू पे आता है, और इधर से दे रहा है टू पे, और इधर से आता है तो कितने पे आता है, फोर के ऊपर आता है। तो हमेशा इसको क्या देते हैं, मिनिमम नंबर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, टू इथोक्सी फोर नाइट्रो पेंटेन, क्योंकि फाइव कार्बन है, सारी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। ये तो आपके सिंपल जो आईपीए आईपीएस नोमेनक्लेचर उसके रूल्स। अब उसको देखते हैं जो आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लेकर उसके एग्जांपल लेकर देखते हैं कि जो सबसे पहले तो आपके जो एसिड होता है उसमें जो एसिड को हमेशा क्या करते हैं, जो अगर कार्बन क्या है, अगर टर्मिनल पोजिशन पे है तो उसके जो कार्बन होता है या सीओएक्स होता है सीओएनएच होता है उसको क्या करते हैं, हमेशा कार्बन को काउंट किया जाता है। और अगर क्या है अदर फंक्शनल ग्रुप के रूप में या साइड बीच के अंदर प्रेजेंट है तो उसके जो कार्बन होता है उसको कभी भी शामिल नहीं करते हैं। तो इसके कुछ अलग अलग के आपके फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल लेकर देखते हैं कि उसके नोमेनक्लेचर किस प्रकार होता है। अब देखते हैं जो अपने आईपीएससी के जो कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग आपके फंक्शनल ग्रुप लेकर, सबसे पहले आप हमारे पास में एसिड ग्रुप, तो उसमें जो आपके सपेक्स के रूप में यानी सबसे लास्ट में कंपाउंड के जोड़ा जाता है ओइक एसिड। तो इसमें अगर क्या, अगर कीटोन ग्रुप प्रजेंट हो जिसमें या सी एच ओ सी ओ एक्स ओ सी ओ एन एच टू ओ, या हमारे पास सी डब्ल्यू एच है सी डब्ल्यू आर है सी ओ एक्स है सी ओ एन एच टू सी एन है या एन सी ए कंपाउंड अगर प्रजेंट हो, यानी टर्मिनल अगर पोजिशन पे अगर प्रजेंट होता है तो इनके अलावा यानी कार्बोनिल के अलावा जो कार्बोनिल अगर प्रजेंट हो तो इसको तो हम जो कार्बन को हमेशा क्या करते हैं वन नंबर दिया जाता है। इसके अलावा जो ये कंपाउंड हमारे पास में ये प्रजेंट है, इन कंपाउंड को अगर क्या, अगर टर्मिनल पोजीशन पे अगर ये प्रेजेंट है तो इनको क्या करते हैं हमेशा वन नंबर देते हैं, अदरवाइज इनको क्या करते हैं फंक्शनल ग्रुप के रूप में मान लिया जाता है। जैसे हमारे पास में कंपाउंड है तो इसमें हमारे पास में क्या है, ये तो यहाँ पर ये क्या हमारे पास में सी डब्ल्यू एच यानी एसिड ग्रुप है, तो इसमें क्या है मेन ग्रुप टर्मिनल पोजिशन है तो इनको क्या करते हैं हमेशा वन नंबर देंगे, टू थ्री और थ्री नंबर पे। तो हमारे पास में क्या है थ्री नंबर पे कौन प्रेजेंट, एक तो हमारे पास में एन एच टू ग्रुप जिसको बोलते हैं थ्री एमिनो, एक हमारे पास में क्या है ऑक्सो ग्रुप है तो थ्री ऑक्सो, तीन कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, सारे क्या है सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, लास्ट में क्या लगाते हैं ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इसी प्रकार हमने ये सेकंड लिया है कि अगर क्या हो, ये अगर ग्रुप क्या हो टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट नहीं हो, यानी एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, एक क्या टर्मिनल के ऊपर है दूसरा क्या है टर्मिनल के ऊपर नहीं है, तो उसको क्या मानते हैं उसका डेरिवेटिव या प्रतिस्थापी माना जाता है। यहाँ पर जैसे हमारे पास में सी डब्ल्यू एच ग्रुप है और ये हमारे पे क्या है सी एच यानी एल डी हाइड और कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, तो इसकी नंबरिंग करते हैं यहाँ से एसिड चाहिए वन टू थ्री फोर और फाइव। तो हमारे पास में थ्री के ऊपर क्या है सी एच ओ ग्रुप, तो एक कार्बन है और एक क्या है सी एच ओ, तो इसको लिखते हैं थ्री फॉर्मिल मेथिल, क्या लिखा जाता है थ्री फॉर्मिल मेथिल। टू के ऊपर हमारे पास में क्या है मेथिल ग्रुप है ये हमारे पास में, तो टू मेथिल कितने टोटल कार्बन है फाइव है तो पेंट पी एंटी पेंट। फोर पे हमारे पास में क्या डबल बॉन्ड तो फोर इन, और यहाँ पर क्या है एसिड ग्रुप है तो क्या हो जाएगा फोर इनोइक एसिड, इसके रूप में क्या करते हैं सपेक्स के रूप में यूज करते हैं। और अगर बात करते हैं अगर किसकी कीटोन की, तो कीटोन में सपेक्स के रूप में यूज क्या करते हैं सबसे लास्ट में ऑन वर्ड यूज किया जाता है, क्या करते हैं ऑन वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल्स इसका सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ओ, यानी कि नंबरिंग करेंगे कहाँ से जहाँ से ही है हमारे पास में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको क्या करते हैं हमेशा वन नंबर देते हैं टू और थ्री, तो तीन को क्या बोलते हैं प्रोप, एक के ऊपर क्या डबल बॉन्ड तो वन इन, और एक के ऊपर क्या है कीटोन ग्रुप है तो क्या हो जाएगा वन ऑन, यानी प्रोप वन इन वन ऑन इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा। फिर बात करते हैं किसकी एस्टर की, तो एस्टर में सबसे रूप में लास्ट में क्या लिखा जाता है वर्ड के ओएट रिप लिखा जाता है। जैसे हमारे पास भी एग्जाम्पल्स है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ और आर, यहाँ पर ये क्या है जो बेंजीन है इसको हमें क्या लिख सकते हैं आर भी लिख सकते हैं, तो हमारे इसका नाम क्या हो जाएगा नंबरिंग कहाँ से करेंगे एस्टर के ग्रुप से, क्योंकि टर्मिनल के ऊपर है तो वन टू और थ्री, तो क्या नाम क्या हो जाएगा फेनिल, तीन को प्रोप, टू के ऊपर क्या डबल बॉन्ड है तो टू इन, लास्ट में क्या दौड़ते हैं ओ एट या टू इन ओ एट इसको लिखा जाएगा। फिर बात करते हैं किसकी एनहाइड्राइड की, तो एनहाइड्राइड में सबसे लास्ट में एनहाइड्राइड वर्ड क्या किया जाता है यूज किया जाता है, जैसे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री है, तो ये हमारे पास क्या है दो कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे एथेनोइक, क्योंकि ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ तो एथेनोइक एनहाइड्राइड। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में
मेथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये तो क्या हमारे मेथेनोइक, ये क्या हमारा प्रोपेनोइक, और लास्ट में क्या लगाते हैं एनहाइड्राइड वर्ड यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं एल्डिहाइड के लिए, तो एल्डिहाइड के लिए यूज क्या किया जाता है, सबसे लास्ट में एल वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट है, 4 के ऊपर तो क्या है ऑक्सो बॉडी यानी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, पाई कार्बन तो पेंट हो गया, सेकंड पोजिशन पे क्या है डबल बॉन्ड है तो 2N, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड हो एक यहाँ पर डबल N। अपने पास में एल्डिहाइड कितने ग्रुप है, एक तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और एक ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कितने हो गए दो है, तो इसको क्या लिख देते हैं डाई एल लिख दिया जाता है। फिर बात करते हैं एल्कोहल के लिए, तो एल्कोहल में सबसे लास्ट में क्या लिखा जाता है ऑल वर्ड यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास में क्या है 5 कार्बन है, सेकंड पे एक तो क्या है यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ है, एक ओएच जुड़ा है, फोन नंबर पे क्या हमारे पास एक तो मेथिल ग्रुप है एक डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा दो तो क्या हो गए मेथिल, एक तो 2 पोजिशन पे एक 4 पे, तो 2,4 डाई मेथिल, वहाँ एक दो पेंट, 4 पे क्या डबल बॉन्ड है तो 4N, 2% में क्या है एल्कोहल है तो क्या लिखेंगे 2, ऑल इसके लिए ये यूज करेंगे। फिर बात करते हैं ईथर के लिए, तो ईथर में वैसे कोई लास्ट में वर्ड यूज नहीं किया जाता है, जो जितने कार्बन होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके नेम लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल लिया तो इसकी नंबरिंग यहाँ से 1, 2 और 3, 3 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, इधर कितने कार्बन है 2 कार्बन है, तो 2 को क्या बोलेंगे मेथ, एथ, एथ के आगे क्या होगा इथोक्सी, तो 3-ethoxy, कितने कार्बन है 3, तो प्रोप 1N या प्रोपेन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं क्या होता है आपका एमिन, एमिन में क्या किया जाता है, अगर एमिन आता है तो लास्ट में एमिन वर्ड क्या किया जाता है यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है CH3, ये कार्बन NH, ये आपका CH3 इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है मेथिल, तो N मेथिल कितने कार्बन है 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूटेन, और कितने नंबर पे जुड़ा है NH2, 2 नंबर पे तो क्या हो जाएगा 2-amine। ये आप कुछ ग्रुप हैं जिनके एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया कि किस प्रकार उसका नाम लिखा जाता है, सबसे लास्ट में उसमें क्या लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।